हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, विच टीम वॉन आईपीएल 2023? किस टीम ने आईपीएल 2023 जीता? हमारे ऑप्शंस है गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स को ही सीएसके भी कहा जाता है। पांचवी बार उन्होंने ये टाइटल जीता है। किसको हराकर जीता? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटन्स को। और आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दी जाती है। ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हो। इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं गुजरात टाइटन टीम के ही प्लेयर शुभमन गिल ने। और पर्पल कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर हो। तो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं गुजरात टाइटन्स के ही प्लेयर मोहम्मद शमी ने। इसी के ही साथ सीएसके टीम के एक मेंबर जिनका नाम है अंबती रायडू, उन्होंने आईपीएल से अपनी रिटायरमेंट घोषित की है। एंड दिस इज द पिक्चर जब सीएसके ने जीता है अपना फिफ्थ टाइटल। सीएसके के साथ ही मुंबई इंडियन एक और ऐसी टीम है जो पांच बार आईपीएल का खिताब या फिर आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड? गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 1st of June, 31st of May, 30th of May या फिर 29th of May। राइट आंसर हो जाएगा 30th of May। 30th of May को ही क्यों मनाया जाता है? यहाँ हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, 15th of August 1947 को भारत को आजादी मिली। भारत को तो आजादी मिली, परंतु उस समय भी गोवा किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। फिर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑपरेशन विजय के द्वारा उन्होंने दमन एंड दीव एंड गोवा को भारत में शामिल किया। और फिर 1987 में 30th of May को गोवा को बनाया गया भारत का 25वां राज्य। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को हम मनाते हैं गोवा स्टेटहुड डे। और जैसे कि हमने पढ़ा, 1510 से ये पुर्तगालियों के अधीन था। कब तक? 1961 तक। गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। और गोवा में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका नाम है मांडवी और जुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं दामोदर मौजो, परमिंदर चोपड़ा, नीलमणि फुकानी या फिर अनुराधा त्यागी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर मौजो। गोवा के राइटर हैं दामोदर मौजो और उन्होंने जीता है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो भारत का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था नीलमणि फुकानी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप 100% गारंटी लेके चलिए आपसे पूछा ही जाएगा। 56th भी इंपॉर्टेंट है, 57th भी इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड्स कि आपसे कौन सा पूछ रहे हैं। इनके साथ ही हमारे ऑप्शंस में था परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा फर्स्ट वीमेन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को हेड करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as Central Vigilance Commissioner? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, गिरीश चंद्र मुर्मू, पिनाकी चंद्र घोष या फिर ललित कुमार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई? 1964 में हुई थी, के संथनम कमेटी के परामर्श के बाद। और किस लिए ये बनाया गया है आयोग? ताकि गवर्नमेंटल करप्शन को कम किया जा सके। अगर हम कमिश्नर की बात करें कि उनका टर्म, उनका टेन्योर कितना रहता है, तो हमने लिखा है 4/65 years। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि आप 50 की एज में विजिलेंस कमिश्नर बने, तो आप कितने एज में रिटायर हो जाएंगे? 54 में, आफ्टर 4 years, राइट? और मान लीजिए कि आप 63 की एज में कमिश्नर बनते हैं, तो आप रिटायर हो जाएंगे 65 की एज में। तो हमारे पास ऑप्शंस में आएगा 4/65, जो भी चीज पहले हो। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो बने हैं भारत के विजिलेंस कमिश्नर। ऑल्सो इस बात में आप कंफ्यूज ना हो कि दिसंबर 2022 से ये एक्टिंग विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कार्य ऑलरेडी कर रहे थे, परंतु अब इन्हें प्रॉपर तरीके से चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू भी हमारे ऑप्शन में है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के कैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे। ये क्वेश्चन पुराना है, पहले भी पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है?
हमारे ऑप्शंस है 1st of June, 31st of May, 30th of May या फिर 29th of May. राइट आंसर हो जाएगा 29th of May. 29th of May को ही क्यों मनाया जाता है? 1953 की समिट को याद करने के लिए. 1953 में 29th मई को पहली बार सर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. सर एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे. तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो शेरपा थे. शेरपा जो होते हैं ना वो गाइड होते हैं जो आपको एवरेस्ट पर जाने के लिए हेल्प करते हैं. एंड ये कौन सी कंट्री के हैं? नेपाल के थे. इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वर्ष 1953 में. इसीलिए हम हर वर्ष 29th of May को मनाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे. ये पॉइंट हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेंटली नेपाल के ही एक शेरपा जिनका नाम है कामी रेता, उन्होंने 28 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है. ये किसी पर्सन के द्वारा किए जाने वाला सबसे हाईएस्ट नंबर है. भारत की तरफ से फर्स्ट इंडियन कौन थे माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले? तो कर्नल अवतार सिंह चीमा. और माउंट एवरेस्ट को नेपाली नेम क्या है उसका? तो हमारा आंसर हो जाएगा सागर मथा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following has won International Booker Prize? निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं गॉर्गी गोस्पोदिनोव, रिसेप तैयब एर्दोगन, अब्दुल फतेह अल सीसी या फिर एडविन लुइस. हमारा राइट आंसर हो जाएगा गॉर्गी गोस्पोदिनोव. इनकी नॉवल जिसका नाम था टाइम शेल्टर, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. एंड ये बुल्गारिया के फर्स्ट एवर राइटर हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है. बुल्गारिया एक कंट्री है यूरोप में, वहां के ये रहने वाले हैं. और इन्होंने ये पुरस्कार अपनी ट्रांसलेटर जिन्होंने इनकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एंजेलिना रॉडेन के साथ शेयर किया. हमारे ऑप्शंस में रिसेप तैयब एर्दोगन भी थे. वो रिसेंटली बने हैं तुर्की के प्रेसिडेंट. तुर्की आपको पता है टर्की का नया नाम है तुर्की, और टर्की में रिसेंटली बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भूकंप आया था जिसमें लोगों की सहायता करने के लिए हमने यहां से भेजा है ऑपरेशन दोस्त. मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि ऑपरेशंस के नाम पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे. ऑपरेशन दोस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैव बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं जस्टिस ललित गुप्ता, जस्टिस अशोक शर्मा, जस्टिस एम के स्टालिन या फिर जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मासे. राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मासे. चीफ जस्टिस चाहे वो सेंटर के हैं चाहे वो स्टेट के हैं, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. अगर उन्हें हटाना भी है तो भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट. स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट क्या होती है? देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो दो प्रकार का बहुमत होता है. एक होता है सिंपल, जिसे आप कहेंगे साधारण बहुमत, और दूसरा होता है स्पेशल. सिंपल बहुमत में आपको चाहिए होती है 50% प्लस वन लोगों की हाँ, और स्पेशल में आपको चाहिए होती है 66% यानी कि 2/3 पर्सन की येस. तो अगर किसी चीफ जस्टिस को, किसी जज को हटाना है तो आपको संसद के दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपको 66% येस चाहिए, तभी आप हटा सकते हैं. इसी के साथ अभी तक कभी भी कोई भी जज नहीं हटाया गया है. और अगर हम राज्य के जजेस की बात करें, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो गवर्नर दिलाएगा. राज्य के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का टेन्योर कितना होता है? 6/62. अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है, तो 6/65. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मेयर इन ऑस्ट्रेलिया? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाला पहला भारतीय बना है? हमारे ऑप्शंस है समीर पांडे, प्रविंद जुगनाथ, कमला हैरिस या फिर ऋषि सुनक. राइट आंसर हो जाएगा समीर पांडे. कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, बट ऑब्वियसली हमेशा से ये ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, तो ये रिसेंटली चुने गए हैं वहां के मेयर. प्रविंद जुगनाथ हमारे ऑप्शन में था. ये है मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर. आप देख पा रहे हैं नाम काफी आपको इंडियन ओरिजिन वाला लग रहा है, क्योंकि ये सब इंडियन ओरिजिन के पर्सन रह चुके हैं. इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति वो होते हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडियन रहे हों. जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि 1970 में एक कपल चला गया यूएस से, राइट. बाद में जाके मान लीजिए कि 1990 में इनके बच्चे कहाँ पे पैदा होंगे? यूएसए में पैदा होंगे. वो बच्चे क्या कहलाएंगे? वो तो यूएसए के सिटीजन कहलाएंगे. बट अगर इनसे इनका मूल वंश पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? इंडियन रहेगा.
तो उन लोगों को बोला जाता है इंडियन ओरिजिन पर्सन या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति। तो समीर पांडे भी क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसके अलावा कमला हैरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, ये भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है। एक और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद कौन सी कंट्री से लिया है, यानी कि सोर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक हमारे ऑप्शन में थे, ऋषि सुनक इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। एंड पृथ्वीराज सिंह रूपन रिसेंटली बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस। ये है समीर पांडे जी विद पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली टीपू सुल्तान्स सॉल्ट वो सोल्ड इन हाउ मच एट ऑक्शन इन यूके। हाल ही में ब्रिटेन में नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार कितने में बिकी। हमारे ऑप्शंस हैं 10 मिलियन यूरो, 14 मिलियन यूरो, 16 मिलियन यूरो या फिर 18 मिलियन यूरो। राइट आंसर हो जाएगा 14 मिलियन यूरो, यानी कि 143 करोड़ रुपीज। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था और इन्हें ही भारत में रॉकेट आर्टिलरी का पायनियर भी बोला जाता है। 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई थी एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। कौन से नंबर का, फोर्थ नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली स्पेस एक्स लॉन्च्ड एर्बिसिट वेदर 8 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का अर्बिसिट वेदर 8 उपग्रह लॉन्च किया। हमारे ऑप्शन है ईरान, यमन, सऊदी अरेबिया या फिर ओमान। राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। इसी के साथ ही ईरान ने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है खैबर। और नॉर्थ कोरिया अपनी फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। इस वीडियो से हमारा क्वेश्चन है, विच पोस्ट इज हेल्ड बाय गिरीश चंद्र मुर्मू। आप हमें कमेंट डाउन करके बताएंगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत में किस पद पर स्थित हैं। हमारे ऑप्शंस है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग में कहूं या फिर कहूं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सेकेंड ऑप्शन है हमारा लोकपाल। थर्ड ऑप्शन है भारत के कानून मंत्री या फिर फोर्थ ऑप्शन है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। आप बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू इनमें से कौन सी पोस्ट पर बने हुए हैं। This was all for this video. Thank you so much for watching. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, do like, share and subscribe our channel. मिलते हैं बहुत जल्द next video में. Thank you once again.